सेना प्रमुख बिपिन रावत का बयान, हमें जमीन का नहीं है लालच, सुरक्षा ही हमारा मकसद। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता, हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बीजेपी के प्रदेश सचिव अनिल परिहार की गोली मारकर हत्या, हमले में भाई की भी मौत। आतंकी हमले के बाद किश्तवाड़ में तनावपूर्ण माहौल, प्रशासन ने इलाके में लगाया कर्फ्यू, भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। असम के तिनसुकिया में उल्फा उग्रवादियों का हमला, 5 युवकों को लाइन में खड़ा कर एक एक कर मारी गोली। दिल्ली में पीएम मोदी एमएसएमई सहायता और प्रचार कार्यक्रम का करेंगे शुभारंभ, केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली और गिरिराज सिंह भी रहेंगे मौजूद। एंटी बीजेपी मोर्चे की कवायद तेज, पवार फारूक और नायडू से मिले राहुल, बोले राहुल देश को बीजेपी से बचाना है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का लखनऊ दौरा आज, विद्या भारती शिक्षण संस्थान के नेशनल स्पोर्ट्स सेरेमनी कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। सीएम योगी का गुजरात दौरा आज, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का करेंगे अवलोकन, गुजरात के सीएम रूपाणी ने भेजा था निमंत्रण। मध्य प्रदेश में कट सकते हैं 40 विधायकों के टिकट, आज हो सकता है बीजेपी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में टिकट बंटवारे पर बवाल, पार्टी दफ्तर में जमकर हुई तोड़फोड़। मध्य प्रदेश में बीजेपी के टिकट बंटवारे से ठीक पहले शिवराज के मंत्री का बयान, सूर्य प्रकाश मीणा का चुनाव लड़ने से इनकार। संकट में यूपी की 2 शिक्षक भर्ती, फैसले खिलाफ योगी सरकार हाईकोर्ट की डबल बेंच में लगाएगी गुहार। 2019 की योगी सरकार की बड़ी बैठक, लोक भवन में निगम बोर्ड और सहकारी संस्थाओं के साथ तय हुआ चुनावी एजेंडा। अयोध्या पर तेज हुआ घमासान, बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा का ऐलान, राम मंदिर पर लाएंगे प्राइवेट मेंबर बिल। मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव का बयान, कहा मैं चाहती हूं कि बने राम मंदिर, मैं राम के साथ। सीतापुर में दरोगा की पिटाई करने वाले दो वकीलों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेजा गया, शहर में भारी पुलिस बल तैनात। कानपुर में डबल मर्डर से सनसनी, मां बेटी की हत्या कर शव को जलाया, पति से मिलने निकली थी महिला। महाराष्ट्र में कुएं की सफाई के दौरान बड़ा हादसा, जहरीली गैस निकलने से 5 सफाई कर्मियों की मौत। किंग खान का 35वां जन्मदिन, दुल्हन की तरह सजा मन्नत, वायरल हुई तस्वीरें। फिर घटे पेट्रोल डीजल के दाम, दिल्ली में पेट्रोल 19 पैसे से घटकर और डीजल 14 पैसे घटा। तिरुवनंतपुरम वनडे में भारत की शानदार जीत, वेस्ट इंडीज को 9 विकेट से हराया, भारत को दिया था 105 रनों का लक्ष्य। रविंद्र जडेजा को मिला मैन ऑफ द मैच का खिताब, मैच में 34 रन देकर 4 मेहमान बल्लेबाजों को भेजा था पवेलियन। रोहित शर्मा 63 और विराट कोहली 33 रनों पर रहे नाबाद, सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वाले विराट कोहली बने मैन ऑफ द सीरीज। भारत ने 3-1 से जीती 5 वनडे मैचों की सीरीज, घरेलू मैदान पर टीम इंडिया ने जीती लगातार छठी सीरीज।